हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, मैं तैयारी से हुई हूँ क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग से इतने टाइम से सुन रहे हो कि मेरे को डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को बोला है। तो फाइनली अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट तो आई थिंक एक दो दिन के बाद ही आएगी। और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी लगी है और अभी मेरे को इतनी ज़्यादा तेज़ भूख भी लग रही है क्योंकि सारे बोल रहे हैं कि भूखे पेट करवा टेस्ट। और ऐसा होता है हमेशा, जब भी ऐसा हो ना कि आपको और टाइम नहीं लगेगी भूख, बट आज पता नहीं क्यों लग रही है। तो फटाफट से अब निकलते हैं हम भी थोड़ी देर में, बस तेते ने भी तैयार होना है, उसके बाद हम लोग भी निकल ही जाएंगे। तो ये अभी निकल चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल के लिए और यहाँ पे हम लोग बिट्टू चाचू का वेट कर रहे थे। तो गाइस, ये पहुंच चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल और आप लोग देखना कि ये हॉस्पिटल कितना प्यारा है। मतलब बाहर जो ये पार्क जैसे इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो हॉस्पिटल से तो हम लोग घूम गए थे, फ्री टेस्ट हुए नहीं अभी क्योंकि अनिवर्सरी ब्लॉक है। तो और जो सैंपल थे वो जाते हैं रामपुर टेस्टिंग के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं काका के स्कूल क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, उसके स्कूल से कॉल आई थी कि उसकी शायद नाक से खून निकल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, जाके देखते हैं क्या हुआ। तो गाइस, हॉस्पिटल से फ्री होकर मेरे को बहुत भूख लगी थी तो यहाँ हम आ गए थे खाने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ वापस डेड सुमरा क्योंकि टेस्ट तो हुए नहीं, अब देखती हूँ एक दो दिन के बाद करवाऊँगी। और स्कूबी को भी मैं साथ ही ले जा रही हूँ। हम लोग रुके हैं अक्सर, वहाँ पे इतने सारे कुत्ते हैं, इसको देखो। मैं वो क्या पता, अरे वो बच्चों का उसी तरह कॉन्फ्लिक्स की तरह। तो गाइस, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ डेड सुमरा और ये मम्मी स्वेटर पहन के बैठे हैं ऐसी गर्मी में, गर्मी ठंड। अभी मम्मी हुआ क्या कि मम्मी अभी लेटे थे तो उठ के बाहर गए और वैसे मम्मी के गूस बम्स आने लग गए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो क्या ठंड। सुबह देखा था आप लोगों ने धूप थी, बट शाम के टाइम ऐसा हो गया कि बारिश होने लग गई थी, इस वजह से हो गई है ठंड। कहाँ गया यार वो, क्या कर रहे हैं? झाड़ू खा रहे मम्मी, अब तो सच में झाड़ू खा रहे अंदर। तो है, दो तीन दिन हो चुके मेरे को डेड सुमरा आके। और ऐसा था कि मतलब मेरे को, मैंने बोला था कि मेरे को टेस्ट करवाने हैं बट रोड ब्लॉक था। तो आज भी मौसम खराब खराब ही है, बट देखती हूँ आज मंडे है ना, तो आज जाके देखती हूँ कि टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वैसे तो शायद होपफुली हो जाए क्योंकि बसेस चल रही है तो निगुलसरी अभी शायद खुला है। और ऊपर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जॉन्डिस हो गया है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा होता ना कि हमारे झाड़ के देखते हैं, तो फिलहाल वहाँ पे टापरी में कोई है जो देखते हैं, तो उनसे जॉन्डिस भी दिखाती हूँ, टेस्ट भी करवाती हूँ। देखो गाइस, ऐसा है मौसम आज, बसेस जा तो रही है। तो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ टापरी, अभी जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल। और पैसे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज नाथपा भी ब्लॉक हुए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि गाड़ियाँ नीचे से होते हुए आ रही थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं हॉस्पिटल, अब जाके देखती हूँ कि टेस्ट होते हैं कि नहीं, बट होप यही करती हूँ कि हो जाए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो गाइस, टेस्ट वगैरह करवा के मैं भी अभी घर आई हूँ और उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स कल तक आएगी। तो मैंने बोला कि व्हाट्सएप कर लेना क्योंकि मैं भी शायद आज रामपुर के निकलूँगी, पहले मेरे को जाना पड़ेगा डेड सुमरा क्योंकि सामान सामान कुछ भी पैक नहीं किया है, बाकी देखते हैं जैसे जैसा होता है। तो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ अभी डेड सुमरा के लिए और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो मेन NH है वो सामने जो रोड है वो है, बट हम लोग नाथपा होते हुए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से नाथपा अभी भी मतलब खुला नहीं है, तो इसलिए हम लोग नीचे जो कॉलोनी वाला रोड है, NJPC वालों का रोड है, वहाँ से जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं, ये है वो ब्लॉक पॉइंट जो दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ आ गया है तो रोड पूरा बंद है, पता नहीं इसको खुलने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये पहले भी हुआ था और अभी दोबारा हो गया है निगुलसरी, और ये दोनों पॉइंट है, पता नहीं कब जाके ठीक होंगे। तो गाइस, अभी मैं निकल रही हूँ रामपुर के लिए, टापरी से अभी आ रहा है नड्डा बस में, तो उसमें ही निकलेंगे। सारी बसेस नीचे से होके आ रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेन NH कहाँ है और अभी ब्लॉक की वजह से कहाँ से होते हुए आ रही है। ये देखो गाइस, मेन NH है यहाँ से सीधा सीधा, जहाँ पे आपको ये स्टॉप का बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ से आगे है मेन NH, बट अब सारी बसेज यहाँ से नीचे से होते हुए जा रही है, NJPC कॉलोनी होते हुए जा रही है, वहाँ पार से होते हुए जा रही है। तो जितने में अभी वगैरह पहुँचते हैं मैं उतने में थोड़ा सा सामान ले लेती हूँ, अभी बोला था कि उसको भूख लगी है तो नीचे से जूस वगैरह ले लेती हूँ। और इसने अत्ती की है, शरारत देखना कहाँ फंस रहा है ये,
फंस गया। जा 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 तो अभी हम लोग निकल चुके हैं रामपुर के लिए। बस होप यही करते हैं कि नुगल सीरी खुला हो, ब्लॉक ना हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। और इसको देखो, ये अब है, ये स्कूबी, और ये नुगल सीरी अभी जाम लगा हुआ है पर छोड़ रहे हैं। बस हमारे जाते जाते कहीं पत्थर ना आ जाए, देखते हैं। बाकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो आ रही है, लग भी अभी ठीक ही रहा है, ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ डेंजर है। तो गैस कल शाम को मैं रामपुर पहुंच चुकी थी और बहुत मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग जब निगुल सरी क्रॉस कर रहे थे पीछे को पत्थर बजा था बस में, पर शुक्र है हम लोग पहुंच गए थे। तो अभी रूम की हालत ऐसी है, मतलब मतलब चादर वगैरह धोने के लिए और मैट्स वगैरह धोने के लिए तो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, बस वो धोती हूँ फटाफट से और फिर रूम की सफाई भी करती हूँ। मैंने सब भिगो के रखे हुए हैं, अभी ये भिगो के रहने, मतलब ये बाद में भिगोऊंगी, पहले इन लोगों इनको धो लूँगी फिर ये मैट्स वगैरह भिगोती हूँ। तो लग जाती हूँ मैं अभी काम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कपड़े कपड़े धो के मैंने सुखा के रख दिए थे और अभी मैंने सारे गद्दे भी बाहर रख दिए हैं। बट सीन ये हो गया है कि मौसम देखो बाहर आपको कैसा लग रहा है, मतलब बारिश बारिश जैसा हो गया है। और मेरे को भी अभी ऐसा हो गया कि पैकिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मतलब 3-4 दिन में मैं जाने वाली हूँ। कहाँ जाने वाली हूँ आप लोगों को चल ही जाएगा पता नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल मैं गद्दे से बाहर निकाली क्योंकि मैंने स्कूबी को बेड पे रखा हुआ था और इसने सुसु कर दिया बेड के ऊपर। और यहाँ देखो अब कैसा रहा हुआ है, ये देखो इसको, स्कूबी स्कूबी क्या यहाँ, ये इसको ना किसी करी थी और इसके माथे पे ना लिपस्टिक लग गई है। और मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये क्यों बाहर निकल जाता है पता नहीं, स्कूबी गंदा। तो ये देखो मौसम, बस ऐसा है कि बारिश ना लगे थोड़ी देर, मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि कपड़े भी नहीं सूखे अभी और मौसम ऐसा हो तो गया, बादल इकट्ठे हो रहे एक जगह तो मे भी बारिश हो सकती है। और इसको नहलाना था बट इसको नहलाने का मुहूर्त भी नहीं निकल रहा है, ढंग की धूप ही नहीं लग रही। और मुझे ऐसा है कि कहीं ठंड में ये बीमार ना हो जाए। स्कूबी जल्दी आ, और ये बहुत ढीठ है, सुनता ही नहीं है। स्कूबी उसको उठा के लाना पड़ेगा, ये देखना ना मैं दरवाजा खोलूंगा इसको उठाऊ। गंदा बच्चा, इसके माथा देख रहे हो आप लोग, बच्चा क्या खाया तूने, क्या खाया तूने। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसको बाहर जाने की पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट रहती है, 24 घंटे इसको ऐसा होता है कि बाहर ही रख दो मुझे। और मैंने आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ कि इसने क्या कर रखा है, बहुत ढीठ बहुत शरारती हो गया है। देख रहे हो गाइस, ये भी इसी के काम है, ये भी इसी के काम है, ये भी इसी के काम है, इसके काम है ये। तो गाइस ये हमारी पैकिंग हो चुकी है और अभी देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4 बैग तो यही हो चुके हैं ले जाने के। अभी मंदिर का सामान लगाना बाकी है, मैप्स वगैरह लगाने बाकी है, और मेरा कैमरा ख़राब है जैसे कि टूट चुका है आप सभी को पता है। अभी ये सारा ऐसे ही खलारा मचा हुआ है, और मैप्स बचे हैं, मंदिर बचा है, और क्या बचा है, कंबल बेडशीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बची हुई है। तो देखते हैं जैसा जैसा होगा। अब हम सोच रहे हैं कि अभी पैक तो कर दिया, ले जाना कैसे, ये वो कपड़े जो हम लोगों ने फेंकने के हैं रखे हुए जो यूज़ नहीं करते हैं। ये देखो ये कुछ ना अजीब सी हरकतें कर रहा है, ये पहले से बाहर जाने की जिद कर रहा है और इसने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं है, पता नहीं क्या इसको वॉमिटिंग भी हुई है। और बार बार ऐसा है कि दरवाजे के पास जा रहा था, अभी तो मैंने इसको बांध के रखा हुआ है कि ले जाओ बाहर ले जाओ, रात का टाइम भी 12-1 बज रहे हैं, इसको पता नहीं हो के वरना ये इस टाइम तक ना सो जाता है। अभी बेचारा पता नहीं क्यों ये। तो गाइस यहाँ से आगे नेक्स्ट पार्ट में